गुर्जर आंदोलन की रेलवे और यात्रियों को चुकानी पड़ रही है बड़ी कीमत। आंदोलन के चलते सैकड़ों ट्रेन प्रभावित हैं। रेलवे ट्रैक पर धरना दे रहे आंदोलनकारी जो है वो मारपीट पर भी उतारू हैं। इस बीच कुछ आंकड़े आ रहे हैं, वो आंकड़े निश्चित तौर पर हैरान करने वाले हैं। और उन आंकड़ों के तहत बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 15 करोड़ का नुकसान हो रहा है वेस्टर्न रेलवे की अगर बात की जाए। वेस्टर्न रेलवे का ये कहना है कि ये गुर्जर आंदोलन से जो नुकसान हो रहा है इसका अनुमान अगर लगाएं तो तकरीबन 15 करोड़ का नुकसान हो रहा है। शरद कुमार हमारे साथ हैं। शरद, अभी क्या हो रहा है? कोई डेडलॉक है ये? इसमें कुछ एक तरफ से ही चीजें हो रही है, दूसरी तरफ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है क्योंकि सरकार के पास कुछ ऑफर करने के लिए है नहीं। हालांकि सरकार बार बार कह रही है कि जयपुर आए वार्ता करने के लिए, और जो गुर्जर है वो कह रहे हैं हम जयपुर नहीं आएंगे। सरकार बयाना है वार्ता करने के लिए, उन्होंने चिट्ठी भी अभी भेज दी कि हम जयपुर नहीं आएंगे। लेकिन कुल मिला के स्थिति विस्फोटक बनती जा रही है। अभी तक तो वहाँ पीलू का पूरा में ट्रैक जाम था, अब जयपुर आगरा हाईवे दौसा में जाम हो गया है और वहाँ लोग बढ़ते जा रहे हैं। और आप अभी उन्होंने दौसा के पंचायत से फैसला लिया है कि दिल्ली और जयपुर रेल मार्ग भी बंद कर देंगे। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो अगर सरकार नहीं चेतती है और इसी तरह से लोग जो प्रदर्शनकारी है उनको इजाजत देती है हर जगह कब्जा करने के लिए, तो पूरा राजस्थान देश के दूसरे हिस्सों से कट जाएगा। ये एक स्थिति बनती जा रही है। हजारों यात्री परेशान हैं। अभी तक पिछले 5 दिन में सैकड़ों ट्रेन कैंसिल हो चुकी है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई ठोस प्लान नहीं रखा गया है कि इस आंदोलन से निपटा कैसे जाए। निशान, समस्या यह है कि पिछली बार वसुंधरा सरकार में इसी आंदोलन की वजह से 72 लोग गुर्जर पुलिस की गोली से मारे गए थे। वसुंधरा राजे इस बार इस डर में है कि कहीं गोली न चल जाए और फिर एक आरोप लगता है कि ये गोली चलवाती है, उस आरोप से वो डर भी रही है। दूसरी बात है कि मामला कोर्ट में है, हाईकोर्ट ने इनके आरक्षण पर रोक लगा रखी है। ऐसे में सरकार के पास बहुत कुछ इनके पास देने के लिए है नहीं। कुल मिलाकर कहें कि स्थिति फंसी हुई है दोनों तरफ से। मैं आपसे एक सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूं। हाई कोर्ट ने अपना फरमान दिया जिसने रोक लगाई, ये जो सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर रहे हैं, क्या ये हाई कोर्ट की अवमानना नहीं है? और क्या इस पूरे मामले में हाई कोर्ट की तरफ से सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता? बिल्कुल निशांत, आपने सही कहा। 2007 में जब गुर्जर मारे गए थे, उनके शव को लेकर पटरी पर बैठे थे, तब हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था और खाली कराने के लिए कहा था और नहीं खाली किया था। वो अवमानना याचिका आज भी चल रही है, उसकी सुनवाई आज भी थी और कॉग्निटिव फैसला नहीं आए। तो हाईकोर्ट में पहले ही अवमानना का मामला चल रहा है इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने का, लेकिन क्यूरिटी फैसला नहीं मान रहे हैं। देखिए निशांत, सबसे बड़ी समस्या वोट बैंक को लेकर है। जैसे चुनाव आता है, इस बार कांग्रेस ने उनके पक्ष में कर लिया, क्यूरिटी फैसला को अपील करवा ली, पिछली बार बीजेपी ने करवा ली। चुनाव आते हैं, सारे मामले हटा लिए जाते हैं। पिछली बार भी राजद्रोह का मामला लगा था इन पर, इस बार भी राजद्रोह का मामला लगा है। चुनाव आते ही मामले हटा लिए जाते हैं, किसी न किसी पार्टी के पक्ष में हो जाते हैं, फिर कुछ सामान्य हो जाता है, फिर आंदोलन करते हैं, लोग पिसते हैं कुल मिलाकर इसमें। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।